आपने नाजरीन को एक अहम खबर से आगाह करें कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 21 न्यूज की खबर पर एक्शन में आ गई। एसबीसीए हुकाम ने खुरादात कॉलोनी में प्लॉट नंबर E408 का दौरा किया। हुकाम ने तमाम फ्लैट्स का जायजा लिया और रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बताएं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 21 न्यूज की खबर पर एक्शन में आ गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वजाहत आबदी से। जी वजाहत, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी मैं आपको बताता चलूँ, दो दिन कबल के 21 न्यूज की खबर के ऊपर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक्शन लिया है। और इसके साथ साथ एक और भी बात ऐड कराता चलूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर आसमा बतूल साहिबा ने भी इसके ऊपर एक नोटिस जारी किया था, जिसका 3 दिन का टाइम दिया गया था। और एसबीसीए को पाबंद किया था कि वो इस बिल्डिंग का जाके मुआयना करें, जिसके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर हसीफ साहब के अहकाम के ऊपर बिल्डिंग इंस्पेक्टर है रिजवान, जिन्होंने इस बिल्डिंग का मुआयना किया है और एक रिपोर्ट मुरतब की है जो एंटी रिस्क डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी, जो इस बिल्डिंग को फैसला करेगा इंजीनियर आके कि ये बिल्डिंग खतरे से बाहर है या खतरे में आती है, जो किसी हादसे का सबब ना बन सके। इसके बाद इसका फैसला किया जाएगा कि इस बिल्डिंग को सील करना है या इस बिल्डिंग को ऐसे ही मालिक के हवाले किया जाएगा। जी जी बहुत शुक्रिया वजाहत आबदी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 21 न्यूज की खबर पर एक्शन में आ गई।